वेल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेल बेटा आवाज क्लियर आ रही है अगर आवाज क्लियर हो ऑडिबल हो तो थम दीजिएगा तो हम रिवीजन स्टार्ट करते आई होप मैं जो अभी होमवर्क दे रहा हूँ मेरे रिवीजन के साथ साथ आप क्वेश्चनेस भी सॉल्व कर रहे हो और अभी के अभी साथ साथ में एक बार फिर से आईडीटी जो है आप मेरे साथ कंप्लीट कर रहे हो ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ चलिए बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन हो गया है हम हमारा रिविजन कंटिन्यू करेंगे सो so, यहाँ कल हमने शेड्यूल वन पे रिवीजन किया था शेड्यूल थ्री भी हमने कंप्लीट किया था चलिए एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ जो भी होगा अच्छा ही होगा आए हम कुछ अच्छा करना है ठीक है सो so, चलो दोस्तों यहां स्टार्ट करते हैं चलिए तो हमने ये शेड्यूल थ्री कंप्लीट किया नाउ सेक्शन सेवन टू बी नोटिया नोटिफाइड एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट सेवन टू ए जो है सेवन टू ए यहाँ शेड्यूल थ्री कवर करता है और सेवन टी सेवन टू बी में कुछ ऐसी एक्टिविटी जो सप्लाई नहीं बोली जाएगी शेड्यूल थ्री की एक्टिविटी तो हमने कंप्लीट कर ली लेकिन यहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटी जो सप्लाई नहीं बोली जाएगी जिसमें ए सर्विस बाय ऑफ एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शंस इंटरेस्टेड बाय पंचायत आर्टिकल 243 जी और आर्टिकल 243W थ्री डब्ल्यू क्योंकि सेवन टू बी में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की कुछ एक्टिविटी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई कर सकती है जिससे सप्लाई नहीं माना जाएगा जिसमें दो एक्टिविटी नोटिफाई हुई है कि यहाँ पे 243G और 243W की पंचायत की और म्यूनसिपल यहाँ पे म्यूनसिपलिटी की जो एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड कोई भी सर्विस प्रोवाइड होती है तो ये सिचुएशन में यहां सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट देती है लोकल अथॉरिटी देती है वो सप्लाई नहीं माना जाएगा दूसरा जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन वो क्वेश्चन पे आ, सकता है बेटा कि अल्कोहल लीकर और लाइसेंस इसका जो लाइसेंस ग्रांट किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट तो सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस फीस फॉर अल्कोहल लीकर तो ये जो लाइसेंस फीस है जस्ट मिनट अगेंस्ट कंसिडरेशन फॉर लाइसेंस फीस और अप्लीकेशन फीस और वाट इ नेम कॉल बाय स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो लाइसेंस फीस लेगा या अप्लीकेशन फीस लेगा या व्हाट इ नेम कॉल ओके उसके ऊपर जी एस टी नहीं आएगा इसके ऊपर एम सी क्यू क्वेश्चन आ सकता है तो uh, वो दोनों एक्टिविटीज अप्लाई नहीं कहे जाएंगे अब बेटा शेड्यूल टू पे आता हूँ शेड्यूल टू जो है यहां पे तो शेड्यूल वन हो गया ऐसी एक्टिविटी जिसे कंसिडरेशन uh, नहीं होने के बाद भी सप्लाई कहा जाएगा शेड्यूल थ्री हो गया शेड्यूल थ्री की कुछ एक्टिविटी से ही एक्सक्लूड कर दी गई और यहां पे शेड्यूल टू okay, मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा वे सर्टन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन प्रोविजन ऑफ सबसे वन

इधर वो फॉर कंसिडरेशन है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है या फिर विदाउट कंसिडरेशन इन दिस फोर पैराज आती है मतलब पहले वो सप्लाई होना जरूरी है अगर सप्लाई हो जाती है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेस होगा तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड शेड्यूल टू आपको हेल्प करेगा फॉर क्लासिफिकेशन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका मतलब शेड्यूल टू जो है वो अभी सिर्फ क्लासीफाई करने के लिए वो ये नहीं बताएगा क्या सप्लाई है जब जब भी सवाल सप्लाई का आएगा सेवन वन ए या सेवन वन बी इससे आपको फाइनल करना पड़ेगा लेकिन बेटा सेकंड अगर यहाँ पे आ, आप अगर कंफ्यूज हो गए तो ये की सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो आपको यहां पे इस एक्ट में शेड्यूल टू हेल्प करेगा और एज वेल एज सेक्शन एट हेल्प करेगा यानी शेड्यूल टू में कुछ स्पेसिफाइड सेवन पैराज है ये सेवन पैराज आपको हेल्प करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट किस में क्लासीफाई किया जाएगा और अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट सेवन पैराज में नहीं आता है और बंडल है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार क्या करूं इसे सप्लाई ऑफ गुड्स में डालू या सप्लाई ऑफ सर्विस में डालू तो वो केस में सेक्शन एट भी आपको क्लासिफिकेशन के लिए हेल्प करेगा तो अभी जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो प्योरली क्लासिफिकेशन पे है ओके okay, तो यहाँ पे सेक्शन शेड्यूल टू में अगर आप आते हो तो शेड्यूल टू में सेवन पैराज है बेटा ओके okay, इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लिए गए और ये कॉन्ट्रैक्ट्स वही लिए गए जो पहले ओके सर्विस टैक्स में और वैट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था इससे रिलेटेड ओके okay, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट अभी उन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया कि ये गुड्स का ही माना जाएगा सर्विस का माना जाएगा दूसरा क्या क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है जीएसटी में बिल्कुल बहुत जरूरी है रेट्स के लिए अलग अलग रेट्स है टाइम ऑफ सप्लाई के लिए क्योंकि गुड्स का और सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग है प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों के प्रिंसिपल्स अलग है एग्जम्शन दोनों के लिए अलग है एग्जाम्पल के तौर पर एजुकेशन एजुकेशन सर्विस कोई भी सर्विस स्टूडेंट को फैकल्टी और स्टाफ को सर्विस दी जाए तो एक्जम्प्ट है लेकिन गुड्स को एग्जम्शन नहीं है मतलब अगर कोई स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह अपने स्टूडेंट को कोई स्टेशनरी सेल कर रहा है या यहाँ पे यूनिफॉर्म सेल कर रहा है तो वहाँ हो सकता है कि एग्जामिशन ना हो तो बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट किसका है गुड्स का है या सर्विस का है ये बहुत जरूरी है इस पर से ही डिसाइड होगा कि आपको एग्जामिशन मिलेंगे रेट्स क्या हो टाइम ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो हम ओके पहला ट्रांसफर ऑफ गुड्स जब आप किसी को गुड्स देते हो समझ लो आप ये गुड्स है और किसी को गुड्स दे रहे हो दिखने में फिजिकली ओके तो आप दिख रहे हो यहां गुड्स जा रहा है तो आप इसको बहुत मेयर टर्म में मत लेना कि सप्लाई ऑफ गुड्स क्यों क्योंकि गुड्स जा रहा है ऐसा मत लेना उन्होंने कहा ओके गुड्स के साथ साथ उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी देखो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है ओके सब्सटेंस क्या है अगर यहां पे गुड्स जब आप किसी को दे रहे हो अगर उसमें टाइटल जा रहा होगा ओनरशिप जा रहा होगा तो ऑब्वियस

उसमें का एक पार्टनर जा रहा था कुछ याद है आपको तो उसमें का एक पार्टनर जा रहा था तो वो कह रहा था कि मेरा शेयर दे दो अब ऐसे सिचुएशन में हम उसका शेयर कैसे दे क्यों क्योंकि वो उसने भी यूज़ किया और हम दोनों भी यूज़ कर रहे थे तो हमने कहा कि नहीं हम नहीं दे सकते तो वो कह रहा मैं कॉयल लेके जाता हूँ मैंने कहा खबरदार कोयल को हाथ लगाया तो फिर क्या हुआ जो नया पार्टनर आया उसने उसको अपना शेयर ट्रांसफ़र किया और उससे पैसे ले लिए तो ये अनडिवाइडेड शेयर कोई भी मशीनरी का हो गुड्स का हो यहाँ पर अनडिवाइडेड शेयर आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो उसके राइट्स ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स का नहीं सप्लाई ऑफ सर्विस का माना जाएगा तो इस तरह से आपका क्लासीफिकेशन होगा बेटा उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर में कहा सेल ऑफ लैनन बिल्डिंग ओके एक्सेप्ट पैरा 5 जो अभी हम देखेंगे शेड्यूल टू में सेल ऑफ लैनन बिल्डिंग बेटा यहां पे उन्होंने एक्सक्लूड किया गया है तो सेल ऑफ लैन बिल्डिंग उन्होंने एक्सक्लूड किया है लेकिन लाइन बिल्डिंग से रिलेटेड बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको फिर फ्रेंक बाकी सब सेल छोड़ के फिर लीज हो लेटिंग हो लाइसेंसिंग हो ओके वो सब कॉन्ट्रैक्ट सप्लाय सर्विस माने जाएंगे ओके वो एक्चुअली इमूएबल प्रॉपर्टी सर्विस में ही आता है ओके okay, और इमोएबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है लीज है टेनेंसी है इजमेंट है लाइसेंस है ऑक्यूपेंसी है वो फिर लैंड का हो या फिर वो बिल्डिंग का हो यहाँ पे बेटा लैंड कवर किया है यहाँ पे बिल्डिंग कवर किया, किया कमर्शियल बिल्डिंग हो रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा पर सेल जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा उसके बाद में ट्रीटमेंट और प्रोसेस हाँ ये वाला आपने अच्छे से पढ़ के जाना ट्रीटमेंट और प्रोसेस मतलब क्या इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन भी और मैंने आपको कहा कि हमारा चार डिस्कशन होने के बाद ओनली फॉर क्लैरिफिकेशन एक ओके okay, ऐसे एक दो सेशन में डाल दूंगा जो आपने स्पीड में सुन लेना तो आपके जीएसटी के सभी क्लैरिफिकेशन एक साथ एक जगह कवर हो जाएगी ठीक है तो अब दो उसकी पी भी मैं डाल दूंगा अगर आपको नोट्स लेना है उसकी पी भी मैं जो वीडियो लेक्चर रहेगा उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन कॉलम में पी डाल दूंगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे तो बेटा यहाँ पे ट्रीटमेंट और प्रोसेस मतलब क्या जनरली एक्चुअली ये जॉब वर्क के लिए नहीं है पर uh, इसमें जो प्रिंसिपल यूज़ किए ये मोस्टली जॉब वर्क को अप्लाई होते हैं

गुड्स यूज कर रहा होगा पर मेन गुड्स अगर आपका होगा तो यहाँ पे गुड्स के मैं रिटर्न दे रहा हूं तो okay, नहीं, नहीं, नहीं। okay, क्या, क्या जा रहा है उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट क्या नेचर का है अगर मेन गुड्स किसी और का है और उसके ऊपर आप कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहे हो और वो ट्रीटमेंट और प्रोसेस में क्यों ना आप अपने गुड्स यूज कर रहे हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस का ही माना जाएगा इसलिए जॉब वर्क जो है जॉब वर्कर जो अपने आइदर अपने गुड्स नहीं यूज कर रहा होगा सिर्फ ट्रीटमेंट और प्रोसेस करके दे रहा होगा या फिर अपने गुड्स यूज कर रहा होगा और अपने गुड्स भी यूज करके ट्रीटमेंट और प्रोसेस करके दे रहा होगा पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस में ही क्लासीफाई होगा और अठारह का जीएसटी लगाया जाएगा इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन हमने कौन कौन से देखे थे इससे रिलेटेड प्रिंटिंग वाला क्लैरिफिकेशन देखा था ओके वो प्रिंटिंग वाला फिर इसके ऊपर तो आई एडिशनल क्वेश्चन सीरीज जो जरूर आपने देखना है जो मैंने अभी अभी रिकॉर्ड किया और बहुत से स्टूडेंट ने यहाँ पे वो है, तो बेटा वो प्रिंटिंग का वाला कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी इवन दो मैंने पेपर यूज किया इंक यूज किया पर मेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बुक्स की बुक्स के बारे में बात करें तो आपकी है तो ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट एज अ प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट की क्लासीफाई होगा क्योंकि ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की है दूसरा बेटा यहां पे रीट्रेंडिंग ऑफ टायर्स रिट्रेंडिंग ऑफ टायर्स में तो बहुत अच्छा केस है कि आपने पुराने टायर दिए उसमें मैंने रबर सोल वगैरह डोमिनेंट गुड्स यूज़ किया है यानी ठीक है मेन गुड्स आपका था पुराने टायर थे पर मैंने डोमिनेंट उसमें रबर सोल वगैरह यूज़ किया होगा इवन तो मेरा गुड्स एलिमेंट ज़्यादा होगा लेकिन बेसिकली मेन गुड्स किसी और का है बेटा तो वो सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे कि सप्लाई सर्विस का ही माना जाएगा ठीक है वो सप्लाई मैं वही एग्जाम्पल लूंगा यस बेटा श्री मैं वही एग्जाम्पल जो मैंने क्लास में लिया सो दैट आपको बहुत इजीली याद आ जाए ओके okay, तो चलिए तो ये हमने ऑफ टायर्स प्रिंटिंग वाला वाला जॉब वर्क इसमें मैं बस आपको ये कह कि दूसरी ट्रीटमेंट और प्रोसेस की तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस में ही जाएगा ओके okay, और वैल्यूएशन करते वक्त आपने जो गुड्स लगाए आपने जो गुड्स लगाए वो सर्विस की वैल्यू में एड कर दी जाएगी वो इंसिडेंटल और एंसिलरी है वो सर्विस की वैल्यू में ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है उसके बाद में ओके नेक्स्ट बेटर ट्रांसफर ऑफ तो बिजनेस असेट तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट यहाँ पे ओके अब मैं आपको एक बताता हूँ कि यहाँ पे अमेंडमेंट होनी चाहिए थी और एट हुई मैं पिछले तीन साल से जहाजहाँ करते कहते रहा कि अमेंडमेंट होनी चाहिए वो अमेंडमेंट हुई है हर फाइनेंस एक्ट में पर वो जो अमेंडमेंट है अभी आपको मे और नवंबर को अप्लीकेबल नहीं है पर आपको ये जरूर बताओगा कि वो अमेंडमेंट क्या हुई है ओके तो यहाँ पर बेटा बिजनेस असेट अगर कोई बिजनेस की असेट यहाँ पे हम किसी को परमानेंट ट्रांसफर करते हैं आई रिपीट किसी को हम परमानेंट ट्रांसफर करते हैं तो वो सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स का माना जाएगा और किसी को हम टेम्पररी ट्रांसफर करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस का माना जाएगा थोड़ा इसको और क्लरिफाई कर दो बिजनेस की असेट में इसके पहले हम शेड्यूल वन पैरा वन में देखें शेड्यूल वन पैरा वन में क्या कहता है कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट विदाउट कंसिडरेशन ओके विदाउट कंसिडरेशन जिसका आईटीसी आपने लिया हो तो विदाउट कंसिडरेशन जिसका आईटीसी आपने लिया हो तो वो सिचुएशन में यहाँ पे वो सप्लाई माना जाएगा अब ख्याल रहे एक बेसिक डिफरेंस आपके ध्यान में आना चाहिए और वो क्या जब हम शेड्यूल टू देख रहे हैं तो हम शेड्यूल टू में ये नहीं देख रहे कि भाई वो सप्लाई बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा वो तो पहले ही क्लियर है कि वो सप्लाई अगर होगा तो ही शेड्यूल टू अप्लाई होगा यानी पहले आप सेवन वन ए सेवन वन बी ये अप्लाई करो इसमें अगर सप्लाई में फीस होता है तो भी शेड्यूल टू में ये डिसाइड करो कि वो सप्लाई गुड्स का है या वो सप्लाई सर्विस का है तो ऐसे में बेटा मैं आपको ये कह दूं कि यहां पे अगर आपकी कोई बिजनेस बिजनेसिडरेशन बेच रहे हो तो सेवन वन ए में आ जाएगा और विदाउटेशन बेच रहे हो जिसपे आपने आईटीसी लिया हो कौन ओके विदाउट कंसिडरेशन बेच रो जिसके ऊपर आपने आईटीसी लिया हो तो ऐसे केस में वो सेवन वन बी शेड्यूल पैरा में आ जाएगा ओके okay, तो सॉरी सेवन वन बी नहीं सेवन वन सी सॉरी तो अब बेटा थोड़ा मैं स्पीड में इसलिए कहीं थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो आपने खुद ही करेक्ट कर लेना ठीक है तो अब यहां पे सेवन सी सेवन वन सी पैरा वन में कवर हो जाएगा तो बेटा अब आपने कोई बिजनेस परमानेंट दे दी फॉर कंसिडरेशन दी होगी या विदाउट कंसिडरेशन जिसका आई से लिया होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने परमानेंट दी होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है बेटा यहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा इज इट क्लियर दूसरा अगर आपने किसी को टेम्प्री दी है फॉर यूज अदर देन बिजनेस ए पर्सनल पर्पज के लिए टेम्प्री यूज करने दी तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा पर यह ख्याल रहे कि अगर आपने किसी को टेम्प्ररी यूज करने दी आई रिपीट किसी को टेम्प्ररी यूज करने दी पहले वो सप्लाई होना चाहिए और अदर देन फॉर बिजनेस दिया तो पहले वो सेवन वन ए सेवन वन बी या सेवन वन सी में फिट होना चाहिए तो और वो टेम्प्ररी देने की वजह से वो सप्लाई सर्विस में क्लासीफाई होगा पर पहले सप्लाई में फिट होना चाहिए अगर वो सप्लाई में फिट होता ही नहीं है तो फिर वो सिचुएशन में जीएसटी नहीं आएगा जैसे आपने अगर एक एग्जाम्पल दो कोई बिजनेस अ आपने रिलेटेड को दी सुनना आपने रिलेटेड को बिजनेस टेंपर यूज करने दिया जो रिलेटेड के डेफिनेशन में आता है हो सकता है आपका एम्प्लॉय हो, हो सकता है रिलेटेड के डेफिनेशन में हमने सब कुछ देखा हो तो ऐसे सिचुएशन में टेंपररी दिया होगा यूज करने दिया होगा सप्लाई में फिट हो रहा होगा तो ऐसे सिचुएशन में वो सप्लाई सर्विस माना जाएगा दूसरी बात कह दो बेटा यहां पे इन्होंने जो वर्ड दिया था विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन ये वर्ड अभी अभी अमेंड करके निकाल दिए क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है क्यों क्योंकि शेड्यूल टू का क्लासिफिकेशन जो है ये शेड्यूल टू का जो स्कोप है वो सिर्फ क्लासिफाई करना होता है तो ये क्लासिफिकेशन में इसकी कोई जरूरत नहीं है कि विथ कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन ओके अब हम इसको निकाल दिया ये वर्ड्स को पर यह अमेंडमेंट में निकाल दिया आपको लिए तो मैं और नवंबर अटेम्प के लिए मैं आपको ये कह दूं कि आपको ये देखना है पर ये बर, बिल्कुल ये भी बराबर था कि इसकी क्या जरूरत है वो विथ कंसिडरेशन या विदाउटरेशन है वो सेवन वन ए बी सी डिसाइड करेगा हम तो सिर्फ ये क्लासीफाई करेंगे कि परमानेंट जा रहा है तो गुड्स और टेम्प्रेरी जा रहा है अदर देन फॉर बिजनेस तो वो सर्विस में क्लासीफाई होगा इज इट क्लियर बेटा हा यहां पे नेक्स्ट राघवेंद्र वो तो फिफ्टी थाउजेंड का क्लॉस तो ऑलवेज लगेगा ये शेड्यूल टू सिर्फ क्लासिफाई करता है सप्लाई है या नहीं है यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ध्यान से सुनना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय समझ लो मैंने अपने एम्प्लॉय कोई को परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस सेट दी और वैल्यू पचास हजार के ऊपर होगी तो सप्लाई फिर वो सप्लाई किसका गुड्स का है सर्विस का तो यहाँ पे आएगा और अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को बेटा ओके पचास हजार के नीचे दी तो वो सप्लाई ही नहीं है अगर वो सप्लाई नहीं है तो शेड्यूल टू लगा होगा ही क्यों शेड्यूल टू सिर्फ क्लासीफाई करता है बात समझ में आई राघवेंद्र तो चलो आप आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट बेटा यहाँ पे यस yes. हाँ एक केस और ले लेता हूँ समझ लो आपने कोई बिजनेस का सेट है जिसका आईटीसी नहीं लिया मोटर कार मोटर कार का आईटीसी मोटर व्हीकल का का आईटीसी आपने नहीं लिया और वो किसी को परमानेंट ट्रांसफर कर दी अब आईटीसी नहीं ले लिया परमानेंट ट्रांसफर कर दी विदाउट कंसीडरेशन दी कमॉन विदाउट कंसीडरेशन दी तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहाँ पे Uh, आपने कंसिडरेशन नहीं दिया इसलिए कंसिडरेशन uh, नहीं लिया इसमें तो सेवन वन ए का सप्लाई नहीं और सेवन वन सी का भी वो सप्लाई नहीं माना जाएगा क्यों क्योंकि सेवन वन सी में आई टी सी नहीं लिया तो अगर वो सप्लाई ही नहीं है तो क्वेश्चन ऑफ क्लासिफिकेशन डज नॉट अराइज क्या वो सप्लाई होना चाहिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं आपने कार लिया कार लेने के बाद आई टी सी नहीं लिया अब इसमें दो सिचुएशन है आ, कार लिया कार खरीदा उसका आईटीसी ब्लॉक क्रेडिट के तहत आपने नहीं लिया और अब सेकेंड क्या है कि आपने वो कार बेच दिया बेच दिया ना फॉर कंसीडरेशन है ना तो सेवन वन ए लग जाएगा सप्लाई हो जाएगा फिर आईटीसी लिया हो या ना लिया हो ये पॉइंट ध्यान रखना यानी सेवन वन ए जो है उसका आईटीसी से कोई कंसर्न नहीं है आप आईटीसी लो या ना लो अगर कंसीडरेशन पे आपने सप्लाई कर दिया कंसीडरेशन मतलब मनी अदरवाइज एक्ट या फॉरब्यूरेंस ये कि चारों में से कुछ भी होगा तो ऐसे केस में उसके ऊपर सप्लाई मान लिया जाएगा और जीएसटी लगा दिया जाएगा ओके ये आईटीसी लिया है नहीं लिया है ये तब देखा जाता है जब आपने विदाउट कंसिडरेशन दिया है और शेड्यूल वन पैरा वन में देखा जाएगा लेकिन अगर वो सप्लाई ही नहीं है सुनना मेरी बात अगर वो सप्लाई ही नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे जो है आ, शेड्यूल टू अप्लाई करने का सवाल ही नहीं आता है उसका क्लासिफिकेशन तब होगा जब वो सप्लाई होगा ठीक है सो so, ये अपने ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इसमें एक बेटा सी क्लॉज है जिससे आज मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूं और ये भी अमेंड होना चाहिए पर गवर्नमेंट ने अभी तक अमेंड नहीं किया वो क्या सी क्लॉज कहता है कि ई पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन देन गुड्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अस डीम टू बी सप्लाइड मतलब सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन यानी क्या टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन मतलब यू आर रजिस्टर्ड या

और डीम सप्लाई मान के जीएसटी लगा दिया जाएगा अब मेरा सवाल गवर्नमेंट से आज भी है जो गवर्नमेंट ने अमेंड करना चाहिए और वो ये है कि यहां पे जब शेड्यूल टू की पावर सिर्फ क्लासिफिकेशन पे है सुनना शेड्यूल टू का पावर जो सिर्फ क्लासिफिकेशन क्योंकि सेवन वन ए कैपिटल ए ये सेवन वन ए कैपिटल ए ये बहुत क्लियरली कहता है कि पावर ओनली फॉर क्लासिफिकेशन है तो फिर आप डीम सप्लाई का स्कोप शेड्यूल टू में क्यों रख रहे हो आदर आप यहां से उठा के सेक्शन सेवन वन में डालो या उसको लिए अलग सेक्शन बनाओ शेड्यूल टू में अगर आप उसको डीम सप्लाई का स्टेटस दे रहे हो मतलब शेड्यूल टू की पावर आप सप्लाई के लिए एक्सटेंड कर रहे हो जबकि शेड्यूल टू की पावर सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए है तो मुझे यह ऑब्जेक्शन है पर वॉट इट मे भी बेटा मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि अभी दिया है एग्जाम में लिखना है उसे डीम सप्लाई कहना है मतलब क्या जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करोगे उस दिन जो भी गुड्स आपके बिजनेस में पड़ा होगा फर्नीचर पड़ा है कैपिटल गुड्स पड़ा है जो मूवेबल है स्टॉक पड़ा है जो मूवेबल है जो

अनलेस अनलेस का मतलब हाँ कुछ केस में डीम सप्लाई नहीं कहा जाएगा कौन से केस में डीम सप्लाई नहीं कहा जाएगा बिजनेस इज एज अ गोइंग कंसर्न टू पर्सन मतलब आपने रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल किया कि आपका बिजनेस किसी और को आपने बेच दिया तो एज अ गोइंग कंसर्न किसी और को अगर आपने बेच दिया होगा तो वो केस में आपको इस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका बिजनेस चल रहा है गवर्नमेंट उसके ऊपर कमा रही है किसी और से कमा रही है तो ऐसे केस में तो उल्टा है ऐसे केस में आपके जो आई बैलेंस है वो उसको शिफ्ट हो जाते हैं सेक्शन 2018 में आई में हम देखेंगे कि उसको सामने वाले मर्जर है डी है तो उसको शिफ्ट हो जाते हैं बेटा तो ऐसे सिचुएशन में कोई दूसरे को आपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया तो वो केस में जो भी बिजनेस की असेट होगी और आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो वो केस में उसे डीम सप्लाई नहीं कहा जाएगा या फिर उसके बाद में बेटा यहाँ पे बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टैक्सेबल हाँ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव इज अ टैक्सेबल पर्सन मतलब आपका कोई पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ने अगर वो बिजनेस कंटिन्यू किया जो टैक्सेबल पर्सन है तो ऐसे सिचुएशन में आपको वो टैक्स देने की जरूरत नहीं है तो बेटा ये उसमें कॉन्ट्रवर्सी भी मैंने आपको बता दी उसके बाद मैं para -fai. Para -fai में पैराफाइव पैराफाइव में उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट बताया और वो पैराफाइव में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑलवेज अपलाई सर्विस माने जाएगा हम पैराफाइव पे आ गए एक पॉइंट पे मैं और डिस्कशन करना चाहूंगा जो आपने पहले देखा सजेस्ट टू बी टैक्सेबल पर्सन क्या बेटा अगर आप वो क्लॉज सी देखते हो पैरा फोर का अगर आपके पास रेगुलर बुक है और आप क्लॉज सी देखते हो तो उसमें सजेस्ट टू बी टैक्सेबल पर्सन में उन्होंने डीम सप्लाई कहा है पर वो सप्लाई गुड्स का होगा या सर्विस का होगा वो अभी तक नहीं दिया है वहां पर भी अमेंडमेंट की जरूरत है जो अभी तक नहीं आया भाई पहली बात तो शेड्यूल टू सप्लाई बोल कैसे रहा चलो मान लेते उसने बोल भी नहीं लेकिन ट्रीट किया वो में डालना क्योंकि उन्होंने गुड्स की बात की सर्विस में नहीं ओके यानी आपकी जो भी बिजनेस असेट होगी वो बिजनेस असेट आप किस में क्लासीफाई करोगे तो आप सप्लाई सप्लाई गुड्स में करोगे इज इट क्लियर तो उसके बाद में यहां पे पैराफाइव अब वापस पैराफाइव पे आते पैराफाइव में बेटा क्या तो पैराफाइव में यहां उन्होंने क्या किया है उन्होंने पैराफाइव में कुछ कॉन्ट्रैक्ट को स्टेटस ही दे दिया कि ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके जो भी इंडिया जो भी जीएसटी लॉ में सप्लाई ऑफ सर्विस से रिलेटेड प्रोविजन है वो ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लगेगी कौन से कॉन्ट्रैक्ट एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे तो पहला रेंटिंग ऑफ इमुएबल प्रॉपर्टी अब ये रेंटिंग ऑफ इमुएबल प्रॉपर्टी रेंटिंग की डेफिनेशन दिया आपको लर्न वगैरह नहीं करना है मतलब इंडिया में जितनी भी इमोएबल प्रॉपर्टी जब भी रेंट में दी जाएगी तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा सर ये पैर फाइव और पैरा टू में क्या डिफरेंस है पैरा टू टॉक अबाउट स्पेशली लैंड एंड बिल्डिंग स्पेशली लैंड एंड बिल्डिंग एंड पैरा फाइव टॉक अबाउट ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी स्कोप इज मच वाइडर मतलब क्या इसमें लैंड एंड बिल्डिंग तो आ जाती है पर बाकी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी टावर है ब्रिज है कैनल है जितनी भी इंडिया में की इमोएबल प्रॉपर्टी होगी वो इसमें आ जाता है तो ये ब्रॉड सेंस में है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दूसरा क्लॉज बी ये पूरा पार्ट समझ समझने की कोशिश करना क्लॉज बी क्या है क्लॉज भी है बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर मतलब क्या इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर सेल टू बायर तो अब देखो अगर आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देने वाले हो कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट करके देने वाले हो या किसी भी तरह का सिविल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करके देने वाले हो अब वो बिल्डिंग रेसिडेंशियल हो कमर्शियल हो उसे लेना देना नहीं ओके एक बिल्डर है और बिल्डर जो है वो कंस्ट्रक्ट करके देने वाला है और वो कंस्ट्रक्ट करके सेल करने वाला है तो वो इंटेंडेड फॉर सेल माना जाएगा और यहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट एवर इज अर्लियर ध्यान से सुनना कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्युपेंसी इज अर्लियर उसके पहले एक रुपया भी मिल जाता है तो वो केस में यहां पे जो है वो उसके ऊपर पूरे एंटायर वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जीएसटी आ जाएगा आई रिपीट अगर उसके पहले एक रुपया भी मिल जाता है तो पूरे एंटायर वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जीएसटी आ जाएगा उसके बाद में बेटा नेक्स्ट अगर आपको एंटायर कंसिडरेशन बाद में मिलता है आई रिपीट एंटायर कंसिडरेशन बाद में मिलता है बाद में मतलब किसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच इज अर्लियर उसके बाद में मिलता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा ओके okay, आपके मे नवंबर एग्जाम कोई एडवांस रूलिंग काम की नहीं है वो या आगे भी काम की नहीं है पर परसों ही बिजनेस स्टैंडर्ड में अगर आप न्यूज़ देखते हो तो एक एडवांस रूलिंग आई है कि ये डेवलपमेंट ऑफ पार्ट बहुत से लोग जो है ओके okay, यहाँ पे लैंड खरीद के उसको एन करवाते हैं और प्लॉटिंग करते हैं तो वो डेवलप करके देते हैं तो वो डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट भी उन्होंने इंटेंडेड फॉर सेल में लाया है और जीएसटी लाइबिलिटी लाई है अब ये कोविड 19 में पहली रियल एस्टेट सेक्टर जो है यहां पे कोलेब्स हो रहा है उसमें भी अब जीएसटी लाइबिलिटी एडवांस रूलिंग आई है अब आगे आगे देखो होता है क्या पर वॉट एवर इट मे भी कट ऑफ पॉइंट है कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्युपेंसी फर्स्ट ऑक्युपेंसी मतलब क्या तो यहां पे बेटा रेरा okay, के हिसाब से अगर विद इन टाइम आपने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो आपको ऑक्युपेंसी देना चालू करना पड़ता है तो जिस दिन पहली ऑक्युपेंस वैकेंसी आ गई किसी की भी जिसकी दिन पहले मतलब कोई रहने आ गया ओके क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है और ये प्रोजेक्ट सॉरी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ रेरा के हिसाब से लेकिन ऑक्यूपेंसी जितना जितना कंप्लीट हुआ है उतना ऑक्यूपेंसी आपको देना पड़ेगा तो जिसकी भी पहली ऑक्यूपेंसी आ गई ओके वो डेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला अभी तक पर ऑक्यूपेंसी चालू हो गई तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्युपेंसी इज अर्लियर ये पहले आप कट ऑफ डेट फिक्स कर देना तो सबसे पहले इसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आपने कट ऑफ डेट जो है वो फिक्स करना कट ऑफ डेट में दो डेट लेना कौन सी दो डेट लेना कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्युपेंसी आपको एग्जाम में फर्स्ट ऑक्युपेंसी वो वर्ड डायरेक्ट आ जाएगा तो यहां पे वो डेट होने के बाद फिर देखना दोनों में से रिचोरीज इज अर्लियर कट ऑफ डेट फीस होगी ओके अब वो डेट आने के बाद फिर देखना पैसा कब मिला अगर वो डेट जो आपने कट ऑफ डेट फिक्स की उसके पहले एक रुपया भी मिल गया होगा तो पूरे एंटायर वैल्यू पे जीएसटी आ जाएगा और उसके बाद में अगर पूरा पैसा मिला होगा तो ऐसे सिचुएशन में जीएसटी नहीं आएगा एक एग्जांपल के तौर पे आपकी फर्स्ट ऑक्युपेंसी पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाद में फर्स्ट ऑक्युपेंसी पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाद में तो आपकी कट ऑफ डेट क्या होगी फर्स्ट ऑक्युपेंसी समझ में आया आपकी कट ऑफ डेट होगी फर्स्ट ऑक्युपेंसी अब ये कट ऑफ डेट जो फर्स्ट ऑक्युपेंसी होगी तो उसके बाद पैसा आया तो हो सकता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले हो लेकिन उसके बाद पैसा आया तो आपके कट ऑफ डेट के बाद पैसा आया तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा ओके okay, तो ये था बेटा यहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्युपेंसी उसके बाद में नेक्स्ट टेम्प्ररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पेटे एन कॉपी ट्रेडमार्क जो भी हो जो भी आपकी ऐसी प्रॉपर्टी जो इंटेलेक्ट से जम जन्मी हो उसमें अगर आप टेम्प्ररी ट्रांसफर करते हो तो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्प्ररी ट्रांसफर अगर बेटा आप टेम्पररी ट्रांसफर करते हो तो वो सिचुएशन में यहां पे जो है आ, के सप्लाय सर्विस में क्लासीफाई होगा पर परमानेंट ट्रांसफर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया समझ लो मैं अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब परमानेंट ट्रांसफर कर रहा हूं उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा पर मेरे हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो सप्लाई गुड्स में जाना चाहिए क्योंकि टाटा कंसल्टेंसी का केस इसके पहले भी हुआ है और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा तो इसलिए टेम्पररी वो जाएगा सर्विस में परमानेंट जो जाएगा वो यहाँ पे गुड्स में उसके बाद में बेटा डेवलपमेंट डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग कस्टमाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ कुछ ही वर्ड्स लिए वो बहुत बड़ी लिस्ट डेवलपमेंट डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग एडोप्टेशन कस्टमाइजेशन एंड एक्सेट्रा तो यहाँ पे अब कोई आईटी सॉफ्टवेयर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट एक तो आप सॉफ्टवेयर बना के रेडी करके रख रहे हो और रेडी करने के बाद बेच रहे हो सुनना आप सॉफ्टवेयर बना के रेडी कर रहे हो रेडी करने के बाद भेज रहे हो जैसा यहाँ पे क्विक हिल ले लो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दे लो सॉफ्टवेयर रेडी तो उसको प्री पैक सॉफ्टवेयर कहते हैं कैन सॉफ्टवेयर कहते हैं तो अगर रेडी सॉफ्टवेयर है उसको बेचा जा रहा है तो वो केस में वो सप्लायर गुड्स माना जाएगा लेकिन आप सॉफ्टवेयर किसी के हिसाब से डिजाइन कर रहे हो प्रोग्राम कर रहे हो ओके okay, यहाँ पे आ, या फिर कस्टमाइजेशन कर रहे हो या फिर जो रेडी सॉफ्टवेयर है उसके उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज दे रहे हो इंस्टॉलेशन वगैरह तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाय सर्विस माने जाएंगे तो देखो आप किसी को बना के

उसके साथ में अपडेशंस भी आते हैं वो अपडेशन के भी चार्जेस लगते हैं तो समझ लो जैसा आपको जो पेनड्राइव में मिलता है वो इंक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर मिलता है बेटा तो वो इंक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर हमने जो लिया उसकी लाइसेंस फीस हमें लगती है तो वो लाइसेंस फीस जो है बेटा अगर कोई पैक सॉफ्टवेयर है और वो लाइसेंस फीस पे दिया जा रहा है तो लाइसेंस फीस सप्लाई सर्विस मानी जाएगी ठीक है तो ये हमारा सॉफ्टवेयर के बारे में होगा दूसरा एग्रींग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट एंड टू टॉलरेट एन एक्ट मतलब कुछ ना करना टॉलरेट करना रिफ्रेन कुछ ना करने का पैसा मिला हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ओके यहां पे जैसे एम्प्लॉय का एग्जाम्पल लिया था मैंने एम्प्लॉय को पचास लाख रुपए दिए क्या कि तू सेम कॉम्पिटिटर को यहां पे ज्वाइन नहीं करेगा कुछ ना करने के पचास लाख रुपए दिए मैंने तो वो वो पचास लाख रुपए सर्विस माने जाते हैं ये पैरा से ये क्लियर पता चलता है कि सर्विस एक्टिव हो या पैसिव हो एनी थिंग अदर देन गुड्स और आपने पैसा ले लिया सर्विस एक्टिव हो या पैसिव हो एनी थिंग अदर देन गुड्स तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा तो वो टॉलरेंस हो एक का हो रिफ्रेनिंग हो कुछ ना करने का पैसा भी मिलता हो तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा ओके ना उसके बाद में बेटा नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट यहां पे ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी परपज फॉर कैश डिफर्ट पेमेंट और अदर कंसिडरेशन मतलब आपने गुड्स के राइट दिए ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स के राइट्स दिए किसी को तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे एक मिनट में एक डिफरेंस बता दोगा अगर आपका ध्यान होगा तो सर ये ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स अगर आप यहाँ शेड्यूल पैरा वन देखते हो तो पैरा वन में भी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स कहा गया है अगर आप ये वर्ड देखते हो तो ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स कहा गया है और ये पैरा फाइव में आखिरी में ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स सर दोनों तो एक ही है कि हमने किसी को गुड्स यूज करने के राइट दिए तो फर्क क्या है जब वो पैरा वन में उन्होंने कह दिया था पैरा फाइव में उन्होंने फिर से क्यों कहा हाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि पैरा वन में जब पहले कह दिया है तो पैरा यहां पे उन्होंने फिर से क्यों कहा बेटा मैं आपको बताता हूँ ये दोनों में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है ट्रांसफर ऑफ राइट इन एंड ट्रांसफर ऑफ राइट टू तो यूज द गुड्स ओके ये पुरानी कॉन्ट्रवर्सी अभी तो नहीं है दोनों कॉन्ट्रैक्ट वो इन हो या राइट टू यूज गुड्स हो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ

ओके okay, सिर्फ मैं रेंट पे दे रहा हूँ आपको और सिर्फ कस्टडी दे रहा हूँ और मैंने ये खबरदारी के साथ आपको दिया कि बिल्कुल इसमें कोई आपने अंदर इंटरनल एडजस्टमेंट नहीं करना कोई इसका आपने ओपन करके नहीं देखना है इस मोबाइल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे सिर्फ आप ओके okay, जो पर्पस के लिए दिया उसके लिए यूज करोगे जब मैं आपको कोई कैमरा दे रहा हूँ तो वो पर्पस के लिए यूज दे रहा हूँ तो राइट टू यूज इन गुड्स हो तो जाता है जिसमें सिर्फ आपने कस्टडी दी पर पोजेशन कंट्रोल ओनरशिप या एक बाकी कुछ भी नहीं दिया

एक ओके राइट कस्टडी के साथ पूरा कंट्रोल पोजीशन दिया जा रहा है और एक में सिर्फ कस्टडी दी जा रही है तो पहले अलग अलग होते थे पर अब बेटा इन्होंने पैरा वन और पैरा फाइव में दोनों में क्लियर कर दिया वो राइट टू यूज़ इन गुड्स हो और राइट टू यूज़ एनी गुड्स हो ओके okay, वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस ही कहे जाएंगे और ये कॉन्ट्रोवर्सी से बाहर निकाल दिया चलो ये पैरा फाइव हो गया

प्रिंसिपल सप्लाई क्या है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है अगर आपके बंडल में अगर गुड्स का डोमिनेंस ही है प्रिंसिपल सप्लाई तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का माना जाता है सर्विस की डोमिनेंस ही है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट के सर्विस का माना जाता है अगर वो कंपोजिट सप्लाई में होगा तो लेकिन दो ऐसे सप्लाई है पैरा पैरासिक्स में जो उन्होंने कह दिए कि इसमें किसी की भी डोमिनसी हो गुड्स की हो सर्विस की हो लेकिन ये दो कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे उसमें हमें कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए उसमें पहला बेटा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देखिए पहला वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी है ओके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन इरेक्शन इंस्टॉलेशन रिनोवेशन रिपेयर्स एक्सेट्रा लंबी लिस्ट दी है उन्होंने तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो ओके okay, यहाँ पे वो सब आता है उसमें कंप्लीशन एक्टिविटी एक्सेट्रा तो वो जो आपने ऑन इमोबल प्रॉपर्टी सुनो अगर किसी और की इमोएबल प्रॉपर्टी में आपने अपने गुड्स प्लस सर्विसेज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो चीजें होनी चाहिए गुड्स प्लस सर्विसेज और गुड्स और सर्विसेज लेके किसी दूसरे की मोवेबल प्रॉपर्टी पे आपने कंस्ट्रक्शन इरेक्शन इंस्टॉलेशन रिनोवेशन रिपेयर ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माने चाहिए जिसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है और सर्विस भी इन्वॉल्व है हाँ सर अगर उसमें सिर्फ सर्विस इन्वॉल्व होगी तो यानी मैं रिपेयर कर रहा हूँ और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ ओके okay, सर अगर उसमें ओनली गुड्स होगा तो फिर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए गुड्स प्लस सर्विस दोनों होना जरूरी है और वो जो है कॉन्ट्रैक्ट जो नोटिफाई किए वो कॉन्ट्रैक्ट आप इमोबल प्रॉपर्टी पे दे रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे और वो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस पे होगा आपके नॉलेज के लिए एक बात बता दू पैरा थ्री और पैरा सिक्स में सिमिलरिटी है क्या पैरा थ्री में किसी और ने गुड्स दिया गुड्स दिया मतलब मुहेबल दिया सुना किसी और ने गुड्स दिया और किसी और के गुड्स पे हम प्रोसेस कर रहे ट्रीटमेंट कर रहे उसमें हो सकता है हमारी सर्विस भी है गुड्स भी है तो अगर किसी ने मुहेबल दिया और मुहेबल पे हम हमारे गुड्स और सर्विस लगा रहे हैं तो वो पैरा थ्री में जाता है और किसी ने इमुएबल दिया और उस इमुएबल पे हमारे गुड्स और सर्विस हम लगा रहे हैं तो वो वक्स कॉन्ट्रैक्ट में जाता है और दोनों कॉन्ट्रैक्ट अच्छी बात यह कि सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाते हैं आई बात समझ में आपके तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाते हैं बेटा उसके बाद में रेस्टोरेंट कैटरिंग और एनी सप्लाई ऑफ सर्विस ओके तो रेस्टोरेंट कैटरिंग जो है बेटा ओके okay, तो रेस्टोरेंट और कैटरिंग जो है बेटा तो रेस्टोरेंट कैटरिंग के लिए यहाँ पे जैसे ये पैरा फाइव क्लॉज oh. बी का जो है सॉरी पैरा सिक्स क्लॉज बी का रेफरेंस कंपोजिशन लेवी में भी है और बहुत जगह है तो रेस्टोरेंट कैटरिंग या कोई भी ऐसी सर्विस फिर वो रेस्टोरेंट हो मेस हो कैटरिंग हो ऐटिंग ज्वाइंट्स हो कोई भी ऐसा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फूड दिया जा रहा है इंक्लूडिंग ड्रिंक एक्सक्लूडिंग अल्कोहल तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और पैरा सेवन पैरा सेवन बेटा

ओके okay, संभाल के रखिए और अभी आप पोस्ट भी कर रहे होगे तो बाद में कॉपी करके वापस पोस्ट कर देना पर वो बाद में देखेंगे चलिए कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में बेटा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन एट सेक्शन एट जो है बेटा दो काम करता है क्या दो काम करता है यहाँ पे कि सेक्शन एट के बेस पे क्लासिफाई होगा कि वो सप्लाई गुड्स का है या सर्विस का मतलब पहला तो ये क्लासिफाई कर देता है कि ये जो बंडल वाला है आई रिपीट बंडल वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट गुड्स में डालोगे या सर्विस में दूसरा वो रेट्स भी बताता है ओके okay. तो रेट्स भी बताता है मतलब कौन सा रेट आपने लेना चाहिए अब यहां पे बंडल जो बनते हैं बहुत से कॉन्ट्रैक्ट के बंडल गुड्स प्लस गुड्स के बनते हैं अब देखो अगर बंडल गुड्स प्लस गुड्स का ही है तो वो सिचुएशन में जैसे मोबाइल विथ चार्जर गुड्स प्लस गुड्स का बंडल है तो वहां तो सवाल ही नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा गुड्स का ही होगा पर अब कौन से गुड्स का होगा मोबाइल का होगा या चार्जर का होगा बात समझ रहे हो तो वहां सेक्शन हेट हेल्प कर देगा कि भाई डोमिनेंसी टेस्ट क्या है अगर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का प्लस सर्विस का होगा तो ये केस में पूरा कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का है वहां तो कोई आ, आ, ये सवाल ही नहीं उठाएगा ओके पर कौन से सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए सेक्शन एट हेल्प करेगा क्योंकि रेट के लिए मुझे ज़रूरी है प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए मुझे जरूरी है कि कौन से सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है तो ऐसे केस में ऐसा ओके रेंटिंग ऑफ रूम इन होटल विथ ब्रेकफास्ट अब ब्रेकफास्ट देना कैटरिंग सर्विस है और रेंटिंग ऑफ रूम जो है ओके वो रेंटिंग ऑफ रिमोबल प्रॉपर्टी है तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहाँ पे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट किस में जाएगा क्योंकि सर्विस प्लस सर्विस है पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है है ये तो बहुत क्लियर कि सर्विस में जाएगा पर रेंटिंग में जाएगा या कैटरिंग में जाएगा क्योंकि कैटरिंग में रेट अलग है ओके पांच परसेंट है आ, उसको कंपोजिशन लेवी के भी रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं ओके okay, और अगर आपका रेंटिंग ऑफ आप रिमुएबल प्रॉपर्टी में जाएगा तो रेट अलग है तो ये केस में जब बंडल बनाते हो और वो नेचुरली बंडल होगा मैं आपको आगे बताऊंगा तो ये सेक्शन एट हेल्प करता है लेकिन अब एक बंडल में लेता हूं गुड्स प्लस सर्विस आई रिपीट गुड्स प्लस सर्विस यहां 8 दो बातों के लिए करता है। कि अगर आपका बंडल गुड्स प्लस सर्विस का है तो वो केस में पहली बात के लिए हेल्प करता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट किसका होगा पूरा बंडल किसका होगा गुड्स का होगा या सर्विस का होगा उसके लिए हेल्प करेगा ठीक है और आ, फिर उसमें सेकेंड वो रेट के लिए हेल्प कर देगा कि रेट क्या होगा तो यहां पे एक बार फिर से देखो अगर गुड्स प्लस गुड्स का बंडल है तो वहां तो सबको ही पता है कि गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ इसमें से कौन सा गुड्स डोमिनेंट है उसमें क्लासीफाई होगा अगर सर्विस प्लस सर्विस है तो वो सर्विस का ही है पर कौन सी सर्विस में जाएगा उसके लिए हेल्प होगा लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट गुड्स प्लस सर्विस का हो तो यहां दो बातों के लिए हेल्प करता है पहला कि आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्लासीफाई करके देता है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है दूसरा वो अकॉर्डिंगली रेट भी बताता है कि रेट क्या लेना चाहिए आई बात समझ में तो यहां सेक्शन एट हमको हेल्प करता है अब सेक्शन एट ने दो

तो प्रिंसिपल में जाएगा और वो अगर मिक्स सप्लाई होगा तो हाईएस्ट रेट में जाएगा इंपॉर्टेंट तो तो है और डेफिनेशन के बेस पे डिसाइड होगा कि वो कंपोजिट है और उसके बेस पे डिसाइड होगा कि प्रिंसिपल क्या है ओके okay, और अगर डेफिनेशन के बेस पर डिसाइड होगा कि मिक्स है और उसके बेस पर डिसाइड होगा कि हाइएस्ट रेट क्या रहेगा ठीक है तो यहां पे देखो कंपोजिट सप्लाई मतलब क्या अ सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ अंट कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई अब देखो यहां पे वो बहुत क्लियर कहते हैं क्या क्लियर कहते हैं बेटा जस्ट अट वो क्या क्लियर कहते हैं ध्यान से सुनना वो ये कहते हैं कि टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई यानी वो बंडल में सभी टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए ओके okay, अब टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या इसमें ऐसे सप्लाई जिसके ऊपर लीवी है फिर वो एग्जम्ट हो नील हो वो भी चलेंगे पर टैक्सेबल सप्लाई मतलब नील है हाँ इसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं होने चाहिए मतलब अल्कोहल पेट्रोल डीजल वगैरह जो है वो सप्लाई इसमें कवर नहीं होने चाहिए ओके okay, फिर वो नेचुरली बंडल क्यों ना हो कुछ भी हो जैसे ओके okay, एक सिंपल एग्जाम्पल जब मैं पढ़ाते वक्त लेता था कि आप ओके okay, देखते हो अल्कोहल अल्कोहल वि चकना ओके okay, वो चकना जो भी होगा तो अल्कोहल चकना अब ये नेचुरली बंडल क्यों ना कुछ भी हो लेकिन अल्कोहल और चकना जो है दोनों टैक्सेबल नहीं है अल्कोहल टैक्सेबल के बाहर है तो वो कंपोजिट में कभी नहीं आ सकता है वो मिक्स में ही जाएगा ओके okay, मेरी बात समझ में आया तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे ओके okay, जो भी बंडल बना है गुड्स प्लस गुड्स गुड्स प्लस सर्विस सर्विस प्लस सर्विस ये दोनों टैक्सेबल होना जरूरी है उसके बाद में नेक्स्ट बेटा विचार नेचुरली uh, बंडल दोनों टैक्सेबल सप्लाई या टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई सेकंड अरे यार ये जा क्यों रहा है कोई बात नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है अच्छा फटाफट बता दो आप ओके स्पीड इज ओके समझ में आ रहा है अच्छे तरह से अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो सभी थम कीजिएगा और ये लेक्चर को लाइक भी कीजिएगा बेटा क्योंकि लाइक मैं मेरे लिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे को ये सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है और ये भी पता है कि मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ मैं अच्छा टीचर हूँ फिर से कह देते तो अच्छा यूट्यूबर नहीं हूँ ठीक है लेकिन ये जो बाकी जो स्टूडेंट्स है वो इस पर ये अभी ज़माना ही ऐसा है ऑनलाइन का कि वो इस पर बिल्यू करते हैं कि भाई लाइक कितने है अच्छा है वर्थफुल है देखना है कि नहीं देखना है इस टाइम पर तो आपके बेस पर वो जो है ओके देख पाएंगे ठीक है तो आप बेटा यहां पे वेरी गुड महेश अनु पुरवा वेंकटेश अजय निधि ओके चलो स्पीड ओके okay लग रही है तो अब यहां पे आ, वापस आते हैं कंपोजिट सप्लाई में और वो नेचुरली बंडल होना चाहिए और नेक्स्ट बेटा इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और ट्रेड होना चाहिए अब इनऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नेचुरली बंडल और इनऑर्डनरी कोर्स क्या प्रॉब्लम हो रहा है यार ओके okay, यहां पे इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई ये भी क्लियर कह दिया उन्होंने कि वो नेचुरली बंडल और उसमें से एक सप्लाई क्लियर दिखना चाहिए कि प्रिंसिपल है कभी कभी क्या होता है कि नेचुरली बंडल है और नेचुरली बंडल में दोनों प्रिंसिपल लगते हैं तो फिर वो ये डेफिनेशन में नहीं आएगा वो उधर चला जाएगा मिक्स में वो बहुत स्पेसिफिकली कर रहे हैं कि वो जो बंडल बना है सब टैक्सेबल है नेचुरली बंडल है और उसमें से ये क्लियर दिखना चाहिए कि प्रिंसिपल है जैसे मोबाइल विथ चार्जर मोबाइल विथ चार्जर में क्लियर दिख रहा है कि मोबाइल प्रिंसिपल है तो वो कंपोजिट में अपना स्टेटस रिटर्न रखेगा ओके okay, सर अगर दोनों प्रिंसिपल हो गए तो खत्म दोनों प्रिंसिपल हो गए तो वो ये डेफिनेशन में चले जाएंगे ओके okay, यहाँ पे एक बहुत क्लियर दिखना चाहिए कि प्रिंसिपल सप्लाई है तो बेटा यहाँ पे ओके okay, नेचरल बंडल सप्लाई इन कंजंक्शन विधर मतलब नेचर ऐसा होना चाहिए कि दोनों एक में के साथ ही सप्लाई होते हैं नॉर्मली इन ऑर्नरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो वो सिचुएशन में यहाँ पे उसे प्रिंसिपल सप्लाई में क्लासीफाई किया जाएगा अब ये एक बात आपको बता दू ये डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो ये डेफिनेशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि वो सिंगल प्राइज में होना चाहिए या सेपरेट प्राइज में होना चाहिए इसलिए मेरा यह मानना है और इस पर देखना फ्यूचर में क्लैरिफिकेशन आ जाएगा मेरा यह मानना है कि वो सिंगल प्राइज में होगा तो वो तो ऑब्वियस है कि सिंगल प्राइस में होगा तो जो डोमिनेंट है उसमें क्लासिफाई होगा लेकिन अब मैं आपको ये कह दू अगर वो अलग अलग भी लिखा जाए अलग अलग भी लिखा जाए पर वो नेचुरली बंडल्ड है सिर्फ आपके इनवॉइस में अलग अलग लिखने से वो सेपरेट रेट में क्लासिफाई होगा ऐसा नहीं है

Now, तो ये ध्यान में रखना इसके ऊपर एक केस भी है मैं फिर से कहता हूं और हमने चार्ट भी बनाया कि आप कंपोजिट सप्लाई होगा तो इन रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट आपने अलग अलग लिखा हो तो भी वो कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई में क्लासीफाई होगा मिक्स सप्लाई में आ जाते बेटा मिक्स सप्लाई में वो क्या कहते हैं टू आर मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसमें बंडल बना हुआ है पर इसमें यह जरूरी नहीं है कि वो टैक्सेबल ही होनी चाहिए ओके okay, तो ये जरूरी नहीं कहा कि उन्होंने टैक्सेबल टू और मोर इंडिपेंडेंट सप्लाईज ओके इंडिपेंडेंट मतलब क्या जो अलग अलग बेचे जाते हैं और अलग अलग सेल किए जाते हैं पर उसको आपने बंडल बना के बेचा टू और मोर इंडिपेंडेंट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेस वन एन अदर इन कंजंक्शन विध वन एन अदर अंडर सिंगल प्राइस मतलब ये मिक्स सप्लाई तभी होगा जब दो अलग अलग इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट आपने बंडल बनाया और सिंगल प्राइज में दिया और वह कंपोजिट में नहीं आता है ओके okay, तो फिर वो हाइएस्ट रेट वाले में चले जाएगा जैसे ये एग्जाम्पल आप देख रहे हो स्क्रीन पे स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल देख रहे हो ये पूरा आपने जिसमें शैम्पू भी है मिठाइया भी है परफ्यूम भी है सब कुछ दिवाली गिफ्ट पैक बनाया अब बेटा इसके पूरे इसमें ओके अगर ये शैंपू का सुनना ये शैंपू का हाईएस्ट रेट होगा तो पूरा किट शैंपू के हेड में क्लासीफाई हो जाएगा पूरा किट शैंपू के हेड में क्लासीफाई पूरे किट को शैंपू कहा जाएगा समझ में आया पूरे किट को शैंपू कहा जाएगा और शैम्पू का रेट जो है हाईएस्ट रेट पूरे किट को लग जाएगा यहाँ एग्जांपल भी दिए बेटा ये एग्जांपल जरूर ध्यान रखना जैसे कंपोजिट सप्लाई में जब आप गुड्स बेचते हो तो गुड्स के साथ साथ पैकिंग सर्विस देते हो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हो पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हो या फिर आप इंश्योरेंस सर्विस देते हो तो वो बंडल कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा इसलिए ख्याल रखें बहुत सी केस स्टडी में आता है कि आ, बंदे ने गुड्स के सेल किया प्लस अपने इन्वाइस में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगाए तो आपके आंसर आने चाहिए बंदे ने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगाए पैकिंग चार्जेस लगाए तो ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है और कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है तो मेन गुड्स में ही क्लासीफाई कर दिया जाएगा इज इट क्लियर ओके तो यहाँ पे उसको अलग से मत देखना उसको क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को आपने अलग से देखा कि फिर उसके रिवर्स चार्ज फिर वो अलग अलग सिचुएशन में एग्जामेशन ओके वो अप्लाई नहीं हो क्योंकि वो मेन गुड्स के इसमें क्लासी कर दिया जाएगा ठीक है ठीक है तो ये हमने कंसेप्ट देखा कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई अब एक मिक्स सप्लाई आखिरी बात बता दूँ, क्या वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये जो आपने बंडल बनाए कभी कभी क्या है? बहुत से किट बनाते है पर किट बना रहे पर प्राइस अलग अलग लिख रहा है।, है पर इनवाइस में प्राइस अलग अलग लिख रहा है अगर इनवॉइस में प्राइस अलग अलग लिखी तो वो इंडिपेंडेंटली क्लासीफाई हो गए okay? इंडिपेंडेंटली टैक्स दिया जाएगा वो मिक्स में कब आएंगे? जब सिंगल प्राइस हो सिंगल प्राइस हो इसलिए अगर हम चार्ट बनाएं कंपोजिट और मिक्स कंपोजिट अगर होगा नेचुरली बंडल होगा तो प्राइस आप अलग से लिखो या ना लिखो वो कंपोजिट में ही जाएगा में ही जाएगा जाएगा और और प्रिंसिपल में में दूसरा मिक्स मिक्स होगा दो पार्ट अगर आपने अलग अलग प्राइस लिखी वो बंडल की बंडल में जो भी गुड दी उसकी अलग अलग प्राइस लिखी तो वो अलग अलग क्लासीफाई हो गए लेकिन अगर आपने सिंगल प्राइस लिखी तो सिंगल प्राइस लिखी तो वो जो है यहाँ हाइएस्ट रेट में क्लासीफाई किया जाएगा तो चलो दोस्तों यहां हमारा पूरा कंसेप्ट खत्म होता है सब का यही तो जादू है चार्ट का क्या देखो एक पूरे एक जगह पूरे सप्लाई का खत्म हो हो गया इसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ रहे एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई होगी आपकी क्वेश्चन कर लेना या वो सब मेरे में है इसलिए उसको टिक कर देना टिक्वेशन प्लस आपको कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उतने भी पढ़ के चले गए तो दैट्स दैट्स इनफ इज इट क्लियर प्लस वन डे बिफोर एग्जाम जैसे आपका डीटी का पेपर हो जाएगा मैं डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम स्लैश विशाल सर पे कौन से कौन से क्वेश्चन आपने पढ़ के जाना चाहिए उसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा वो लिस्ट जो आप देखोगे बेटा उतने भी क्वेश्चन टाइम पे पढ़ के चले गए क्वेश्चन के तो दैट्स इनफ इज इट क्लियर चलिए तो आ, यहां ये खत्म होता है हमारा सप्लाई तो सप्लाई का इंटायर व्यू देख लो ओके विथ कंसिडरेशन इम्पोर्ट विदाउट कंसिडरेशन एक्सक्लूड उसके बाद में शेड्यूल टू का क्लासिफिकेशन और ये शेड्यूल टू में और ख्याल रहे अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल टू में फिट होता है तो फिर एट नहीं लगाया जाएगा शेड्यूल टू में अगर गुड्स कहते हैं तो गुड्स सर्विस कहते हैं तो सर्विस हाँ ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो शेड्यूल टू में कवर नहीं होते हैं पर बंडल है आप कंफ्यूज हो कि वो गुड्स का या सर्विस का तो फिर सेक्शन एट के प्रिंसिपल अप्लाई किए जाते हैं तो यहां हमारा खत्म हुआ ओके सप्लाई कंसेप्ट क्लियर मजा आया यस yes, कहिए, है ठीक है मैं आपका इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ बेटा